हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्जरलैंड में। और आज ना हम हमारे घर के पास एक माउंटेन एरिया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो वहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के माउंटेन्स कैसे एकदम वेल मेंटेन होते हैं और यहाँ पे लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में आपको। और अभी ना अप्रैल है, अप्रैल स्टार्ट है, तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग सीजन शुरुआत है उसकी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज दिखेंगे जिनके कलर्स अभी ऐसे आए हैं, मतलब फ्लावर्स आए उन पे, मतलब आपको ग्रीन पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, बस फ्लावर्स ही दिखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर दिखता है अगर पास से देखो तो आप। तो वही आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं माउंटेन की तरफ। और यहाँ से अगर पीछे देखोगे, यहाँ पे हमारा घर है पास में ही, और वहाँ पे चर्च है। और चलते भी माउंटेन की तरफ। और अभी मेरा बेबी जो है, कृषि जो है, वो 4.5 महीने का ही है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी छोटा है तो अभी छोटे छोटे माउंटेन से पी जाएंगे। तो अभी घर के पास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी रास्ता चेंज कर दिया, हम उधर सीधे जाने वाले थे, बट हमने सोचा चलो चर्च की तरफ से चलते हैं और आपको चर्च भी दिखा देंगे। और यहाँ पे देखो ये वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, पूरे जो झाड़ है पूरा वाइट से हो गया, अभी वाइट हो गया है। और वहाँ पे वो येलो फ्लावर्स हैं। तो ऐसे ना बहुत सी जगहों पे, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको येलो वाइट पिंक कलर्स के फ्लावर्स जो दिखते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब पूरी सिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है, इस वजह से बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलो अभी चर्च भी दिखाते हैं हम। वो रहा ये पास में का ही चर्च है हमारे घर के। और ये देखो यहाँ पे भी है, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ऐसे वाइट और वो येलो ऐसे ट्रीज दिखेंगे। अभी बजे 4, तो हर चर्च पे ना ऐसे वॉच होती है, बड़ी सी वॉच होती है जिसपे आपको टाइमिंग दिखता है। और अभी बजे 4 बजे, अभी दोपहर के। और एग्जैक्ट 4 पे यहाँ पे बेल बज रही है अभी है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन बजा रहा है बेल। कोई नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बजते रहते हैं, बट मजाक करी थी। और चलो अंदर। चलते हैं अभी अंदर चर्च के। और देखो यहाँ पे कितना सुंदर, ये जो बड़ा पेड़ भी है वो भी येलो फ्लावर्स से भर गया पूरा। और यहाँ पे भी नीचे भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। चलो अभी अंदर चलते हैं। कृषि भी उठ गया है। हाँ, चर्च का जाते हैं अपन। कृषि भी उठ गया अभी, मुँह में हाथ डाल रहे हैं। डालना नहीं हो एक्चुअली पीछे से आए हैं। ये है इसकी एंट्री, यहाँ पे है ये डोर। ऐसा लग रहा है कि बंद ही है करके, बट ये ओपन करो तो हो जाता है, मतलब है शुरू है। यहाँ पे ऐसे चर्चेस जो होती है वो ऐसे बंद ही रखते हैं दरवाजे अपने, ऐसे होता है कि भगवान के दरवाजे अपन बंद नहीं रखते मोस्टली, मतलब वहाँ पे अपन मतलब शुरू रहते हैं, बट यहाँ पे चर्च हमेशा ऐसे बंद ही दिखेंगे आपको, आपको ओपन करना पड़ता है, बस अंदर जाना पड़ता है ऐसे। तो चलते हैं अभी कृषि को लेके, लेते हैं कृषि को और अंदर चलते हैं। से लो यू, अभी आज ईस्टर है क्या? कल ईस्टर था और ईस्टर के कल है मंडे, कल है क्या? हाँ कल है। तो यहाँ पे देखो ये बनी बनाया इन्होंने एक गर्ल के ईस्टर की वजह से। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है ना।
वहां पे कैंडल लगाई है और ये बॉक्स कैसा होता है बताओ थोड़ा। यहाँ पे ये कन्फेशन बॉक्स है। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, तो आप उसको आके कन्फेस कर सकते हैं यहाँ के प्रीस्ट के सामने, और फिर उसके बाद वो माफ़ हो जाएगी। और नीचे यहाँ पे ये बाइबल्स रखे हुए हैं, हर एक के लिए एक एक बाइबल रखी हुई है। और अभी हम चर्च से बाहर आ गए हैं और अभी चलते हैं माउंटेन्स की तरफ। और आप लोग इतनी ग्रे की पा रहे होंगे कि माउंटेन्स भी दिख रहा होगा यहाँ से आपको। और अभी ट्यूलिप का भी सीजन है तो यहाँ पे ट्यूलिप भी है, बहुत ही सुंदर ट्यूलिप है यहाँ के, कलर जो है बहुत ही क्यूट है। हर जगह सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे देख, बहुत सारे वाइट फ्लावर के ट्रीज हैं। तो गाइस अभी हम आधे रास्ते आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए आधा नहीं अभी बहुत बचा है। आ गया मुझे लगा आधे आ गए और बहुत बचा है मतलब। बट यहाँ पे ये फार्म है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। फार्म मतलब ऐसा बड़ा फार्म नहीं है, ये किसी ने ऐसा हॉबी करके छोटा सा ही है। वहाँ घर भी है शायद, हाँ। साइड में वो घर है और घर से निकल के यहाँ पे ऐसे फार्मिंग टाइप छोटा सा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने बेचने के लिए ऐसे जैम के बॉटल रखी है, हाँ। ये 10 फ्रैंक और कोई है नहीं यहाँ पे, बस वो पैसे खुद ही रखो और एक बॉटल उठा के ले जाओ। वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्की ठंडी हवा है और सनी भी है, ज़्यादा नहीं अच्छी लग रही है। आ गए ना, नहीं आए क्या? नहीं भाई, दूर है अभी तो। इसके ऊपर चले जाए क्या? हाँ चलो। चलो मैं ले लूँ वो। वेट कर रही हूँ, कब बोलेगा तू? पूरा फार्म्स शुरू हो गए यहाँ पे, फार्म एरिया। तो यहाँ पे ना एप्पल फार्म्स भी है। ये जो पूरे पेड़ दिख रहे हैं ना सामने आपको, ये पूरे एप्पल ट्रीज ही है। अभी तो पूरे चढ़ गए हैं। डग्स भी होंगे ना यार, पिछली बार थे यहाँ। यस, ये नेट वाला एरिया है ना, इसके अंदर है। ऐसा ऊपर जाना है इसलिए मैंने अभी शशांक को दे दिया है। हमारी ड्यूटी लग गई है। हाँ। बहुत सुंदर दिख रहा है, कितने दिनों बाद, हम भी बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ये माउंटेन। और देखो इतने ऊपर आ गए, हम वहां से स्टार्ट किया था हमने, वो चर्च दिख रहा है। हाँ, और अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ से सिटी का व्यू, और ऊपर जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा सिटी का व्यू। और ये देखो स्कूटी चलाते हुए मस्त जा रहे नीचे। यहाँ पे फार्मर्स के घर देखो आप, तो यहाँ पे ये नीचे में उसका घर है और पीछे में वो वेयर हाउस है यहाँ पे। और यहाँ मस्त अपने बेंचेज डाल के एंजॉय कर रहे हैं आजूबा। कितना प्यारा दिख रहा है, देखो व्यू देती हूँ थोड़ा। हाँ, चलते सामने। को गर्मी हो रही क्या? ये अच्छा है कि अगर बेबी को यहाँ पे लेके जाना है ना, तो आप मस्त प्राइम में डाल दो उसको। और अभी देखो अभी ये जगत, अरे बाप रे, ओ कैटी बहुत ही बड़ी है। गॉड, मैं तो बहुत डरती हूँ। चलो, और यहाँ पे आप प्राइम में डाल दो और चलो। और ये देखो अभी सो गया। अभी हम पहुँच रहे हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट पहुँच जाएंगे। तो वो है लोकेशन, वहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी रश है आज, तो वहाँ पे काफ़ी लोग बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं।
बच्चे खेलते हैं, बारबेक्यू खेलने के लिए है वहाँ पे। हाँ। फाउंटेन वगैरह भी है तो पानी वगैरह भी आ जाता है, और पीछे से वहीं से फॉरेस्ट भी शुरू होता है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, तो ये पीछे में एक दो रेस्टोरेंट है। हाँ, म्यूजिक भी चल रहा है और यहाँ पे टी टेबल वगैरह भी दिख रहा है। अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आके आप अपना दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, और आवाज तो देखो बच्चों का मस्ती चालू है। हाँ, फुल मस्ती चालू है, बारबेक्यू एंड मस्ती। वाह, और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना प्यारा आता है, पूरी सिटी दिखती है यहाँ से। वाह, तो यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो मिलता है माउंटेन एरिया पूरा, वो भी हम दिखाएंगे आपको आगे। बट उसके पहले यहाँ पे देखो कितना अच्छा गार्डन किया है इन्होंने एरिया, और यहाँ पे फिर ये बारबेक्यू कर सकते हैं, लोग आते हैं अपनी छोटी मोटी पिकनिक पार्टी के लिए है ना, तो यहाँ पे ऐसे होता है ये बारबेक्यू और बेबी। और अभी हमको ये बेंच मिल गया है, टेबल, बारबेक्यू शुरू है इनका। और ये देखो ये सामान भी लेके आया ऐसा इसमें ट्रॉली में बारबेक्यू का। और अभी हम भी स्टार्ट करेंगे हमारा स्नैकिंग है ना, हम लेके आए घर से कुछ कॉफ़ी स्नैक्स। तो अभी हम 4 बजे निकले थे, हमने दिखाया था आपको, अभी एग्जैक्ट 4:30 बजे हैं, यहाँ पे पहुँच गए। तो हमारा अभी ये स्नैक टाइम होता है, तो अभी यहाँ पे हम करेंगे एंजॉय इस व्यू के साथ। गाइस देखो यहाँ पे ये बारबेक्यू शुरू है, तो इस तरह से कराया है, ये अपना क्या गांव में जो चूल्हा होता है उसी की तरह है ना, ऐसी जल रहा है ऊपर और मीट रखा हुआ है ऊपर। कप्स कहाँ हैं? कप्स बैक के साइड में। तो हम भी छोटा सा कुछ लेके आए हैं खाने के लिए स्नैकिंग टाइम के लिए, तो उसका सेटअप चल रहा है अभी। मीन टू कॉफी, इस ठंडी में कॉफी का मजा ही कुछ और है ना। हाँ, हाँ। ऐसे चाय बोल सकते हैं। यस, हम थोड़े अभी कॉफी पीने लगे। और ये हम एक स्नैक लेके आए हैं, कुछ बिस्किट जैसा है, और ये अपनी मूंगफली है, ये रोस्टेड होती है, ये बहुत ही अच्छा आइटम है ना, हेल्दी प्लस ये। और ये तो चॉकलेट है। तो गाइस अभी ना हमारा यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी के हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी बारबेक्यूइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना समर में ऐसे ही होता है, ये आउटडोर एक्टिविटी है इनकी, यहाँ पे मस्त चूल्हा जल रहा है। और आपको भी क्या पसंद है क्या, तो हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए कि चूल्हे का खाना आपको पसंद है, उसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो मुझे तो बहुत पसंद है। और हम भी समर में प्लान करेंगे, अभी तो शुरुआत ही है, तो हमने बस अभी ये यहाँ पे स्नैक टाइम का प्लान किया था, इसलिए हम कॉफ़ी वगैरह लेके आए थे। लेकिन एक फुल डे का भी प्लान करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर बारबेक्यू वगैरह भी करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे कैसे होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना रेडीमेड ऐसे स्टेशन बने होते हैं, तो यहाँ पे ये लोगों को सिर्फ ना खाने पीने का सामान लेके आना होता है, और कोल वगैरह भी लाते हैं और जलाते हैं। और यहाँ पे ऐसी कैरी भी होती है, क्या बोलते हैं इसको, लॉरी छोटी सी, जिसमें सामान डाल के आप ला सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। और अभी चलते हैं माउंटेन की तरफ। हाँ, यहाँ से अभी हाइकिंग शुरू होती है,
आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा अभी फॉरेस्ट एरिया शुरू हो रहा है। और यहाँ पे ये फाउंटेन वाटर, ये तो हर जगह पे होता ही है। हाँ, ताकि लोगों को पीने का पानी कैरी नहीं करना पड़ता, ले भी जाता है। यस, ये काफी अच्छा। और यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, उसके पीछे में ही वॉशरूम एरिया भी है, वो भी वॉशरूम एरिया आप यूज कर सकते हो। ऐसा है, सही है बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये दो वेज है, एक तो ऊपर जाने का वे है और यहाँ से नीचे जाने का वे है। तो हम कहाँ से जाएंगे, ऊपर या नीचे बताओ? अंदर तो नहीं जाएंगे। हाँ, बट हम नीचे की तरफ जाएंगे, वहां पे ना थोड़ा सा पानी वगैरह है बीच में, बहता पानी है। हाँ, तो वो दिखाएंगे आपको, झरना टाइप। हाँ, यस। और यहाँ पे भी ऐसे लोग कर रहे हैं बारबेक्यू, इन्होंने खुद का बारबेक्यू बनाया भाई। हाँ, मतलब लकड़ियाँ जमा करके, लकड़ियाँ जमा करके नीचे में। यहाँ पे भी है फाउंटेन वाटर। और अभी ये पूरा ऐसे ग्रीनरी नहीं है ना, अभी समर स्टार्ट होगा ना, समर में बहुत ही अच्छा दिखेगा। हाँ, अभी स्टार्ट महीने में यहाँ पे फिर पूरा ये ग्रीन हो जाएगा। हाँ, पत्ते आ जाएंगे, अभी पत्ते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रास्ते में जाते वक्त झरना वगैरह आ रहा है। हाँ, झरना वगैरह आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और ये देखो पेड़, देखो एकदम रूट पे एकदम नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, ये अभी आपको थोड़ा सा ऐसा वीरान लग रहा होगा क्योंकि इनके पत्ते बिल्कुल नहीं है अभी। हाँ, तो अप्रैल मंथ के एंड में वगैरह यहाँ पे फिर ग्रीनरी आ जाएगी और पूरा ये ग्रीन हो जाएगा। और बहुत लोग पूछते हैं ना कि स्विट्जरलैंड में अप्रैल में आ सकते हैं क्या? आ तो सकते हैं, फिर ऐसे दिखते हैं आपको फिर। हाँ, अप्रैल मंथ में ऐसा रहेगा, ग्रीनरी नहीं दिखेगी फिर। हाँ, अप्रैल स्टार्ट में, बट अप्रैल एंड तक पूरा ग्रीनरी आ जाएगी, फुल्ली ग्रीन हो जाएगा। तो यही है वो पॉइंट, छोटा सा यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है। और लास्ट टाइम हम आए थे ना, तो उधर से आए थे ऐसे ऊपर से, और ऐसे आते हुए यहाँ से आए थे। और ये देखो आंटी भी कैसे भाग रही है ऊपर में, और ऊपर जा रहे हैं। हमने यहाँ तक ही अभी तक ही किया है ना। हाँ, और ऊपर नहीं गए हम आज तक। हाँ, यहाँ से ये बहुत अंदर जाके बहुत बड़ा है फॉरेस्ट, बहुत बड़ा है फॉरेस्ट। तो लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। सनी डे, वेरी नाइस डे। तो गाइज अभी हम आगे नीचे, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग अभी भी हैं। अभी हम जा रहे घर पे, हमारा हो गया यहाँ पे खाना पीना, ऊपर जाके आ गए, थक भी गए, थोड़ी बॉडी भी ये हो गई, वार्म अप हो गई है। और ये तो लोग मतलब सुबह आ जाते एकदम, और शाम तक इनका यहीं पे मतलब ये लोग रहते हैं, डिनर वगैरह करके ही जाएंगे ये लोग अभी, क्योंकि इनका डिनर टाइम बहुत जल्दी रहता है, मतलब 5:30 बजे 6 बजे इनका डिनर हो जाता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी वहाँ पे भी हमको 5:30 बजे खाना आ जाता था, और मुझे बाद में फिर भूख लगती थी रात को, क्योंकि 5:30 बजे अपन डिनर कहाँ करते हैं, 7-8 बजे करते हैं, बट ये लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो ये फार्म है, ये इस साइड में भी और उस साइड में भी, पूरा ये फार्म एरिया इतना बड़ा। और देखो अपने आगे से सीधे होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे माउंटेन मतलब इंक्लाइन फार्म है, ये स्लोप के ऊपर फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, स्लोप के ऊपर फार्मिंग। ये हमारा वापस जाने का रास्ता है बीच में से, यस।
यस बहुत स्टीप है। यहाँ से अपना घर दिख रहा है क्या? देख तो नहीं, यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, वो ग्रीन बिल्डिंग्स दिख रही है। हाँ। वहीं पे हमारा घर है, तो चलते अभी घर की तरफ। तो गाइस अभी हम आ गए नीचे और अभी जा रहे घर, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।